मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल में पेज नंबर 33 से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में जो बोर्ड की एक्सरसाइज थी वो सॉल्व की थी, टाइम टू रिटर्न है ना, आज का जो टॉपिक है टाइम टू रिटर्न ये सॉल्व करेंगे। रीड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है यहाँ पे। मतलब ये बोला गया है कि जर्नी समाप्त हो गई है, वो लौटने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन इंजॉय डिफरेंट बोर्ड्स राइड टिल 4 o'clock। बच्चे बोर्ड साइड में कितने समय तक इंजॉय किए? 4 o'clock, मतलब 4 बजे तक। इट इज टाइम टू रिटर्न, अब लौटने का समय हो गया था। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 आवर्स। अब वो बीच के रास्ते में कहीं नहीं रुके और सीधे 2 घंटों में वापस आ गए, ठीक है ना। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाई ब्लैंक दिया 1 o'clock। तो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे? 4 o'clock से चले थे और 2 घंटे में तो कितना टाइम हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे आ जाएगा 6 o'clock, ठीक है ना। यहाँ पे 6 o'clock लिख दोगे, ठीक ना। तो इस तरीके की एक्सरसाइज हो, ये वाली वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है फाइंड आउट हैव यू एवर बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप। क्या आप कभी स्कूल ट्रिप में कहीं गए हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन ऑल, और उसमें कितने बच्चे टोटल थे उस ट्रिप में। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, कैसे तुम गए हो और वो कितनी दूर था। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना टाइम लगा। ट्राई टू फाइंड आउट द कास्ट ऑफ ट्रेवल फॉर ईच चाइल्ड। अब आपको ये भी पता करना है कि जो ट्रेवल करने का, यात्रा करने का, एक बच्चे की कास्ट कितनी आई थी, ठीक है ना। अगर आपने कहीं ट्रेवल किया हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यस आई ट्रेवल आई स्कूल ट्रिप, या कोई भी ऐसे आपने कोई भी ट्रिप या मतलब गए हो कहीं पर स्कूल से, तो लिखोगे यस आई हैड बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप, ठीक है ना। जब भी गए हो, समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में या किसी दूसरे ओकेजन में, ठीक है ना। अब कितने, यहाँ पे अगला है हाउ मैनी चिल्ड्रेन वर देयर इन ऑल, कितने बच्चे हैं। तो जितने भी बच्चे गए हो, सपोज देयर 100 बच्चे गए हैं तो लिख देना देयर वर 100 चिल्ड्रेन इन ऑल। अगला क्वेश्चन इसे पूछे हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, कैसे गए हो और कितनी दूर था वो। तो लिखोगे वी वेंट बाय बस, बस से गए तो बस लिखोगे, जिस कार से गए तो कार, जिससे भी गए हो, ठीक है ना। वी वेंट बाय बस एंड 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर, जितने किलोमीटर हो, ठीक है ना। तो एंड 50 किलोमीटर फार, मतलब वो 50 किलोमीटर दूर था, ठीक है ना। अगला इसी में क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड इट टेक, तो लिख दोगे जितना टाइम लगा, सपोज 1 आवर तो 1 आवर, 2 आवर तो 2 आवर, ठीक है ना। मोस्टली 50 किलोमीटर कितने टाइम में पहुंच जाओगे? 1 आवर के आसपास पहुंच जाओगे। तो जैसे लिख दिया 1 आवर, ठीक है ना, जितना भी टाइम लगेगा। अगला पूछा है कास्ट ऑफ ट्रेवल कितना लगे एक बच्चे का, तो लिख देना कास्ट ऑफ ट्रेवल फॉर ईच चाइल्ड 50 रुपीज, 100 रुपीज, जितना भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे लिखना है। मैं आपको और आपकी आसानी सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी हेल्प ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यस आई हैड बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप ड्यूरिंग रिसेंट वैकेशन, या भी लास्ट वैकेशन या समर वैकेशन, ठीक है ना, या ऑटम ब्रेक में कहीं जिस टाइम आप गए हो लिख सकते हैं। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। लिखा है देयर आर 100 चिल्ड्रेन इन ऑल, टोटल कितने बच्चे हैं 100। वी वेंट बाय बस एंड 50 किलोमीटर फार, किससे गए थे, बस से गए थे और 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। टाइम के बारे में पूछा गया था तो इट टुक 1 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है ना। कास्ट ऑफ ट्रेवल लिख दोगे, कास्ट ऑफ ट्रेवल फॉर ईच चाइल्ड कास्ट रुपीज 75, तो यहाँ पे 75 है। तो आपको जितने कास्ट लगी, जितने टाइम लगा, जितनी दूरी थी, जितने बच्चे गए थे और कब गए थे, ये सब आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब प्रैक्टिस टाइम दिया है, प्रैक्टिस टाइम में आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उनको सॉल्व करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मार द ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे आपको 4 बहुत पुराने केव पेंटिंग, गुफाओं की पेंटिंग दी हुई है। अब आपको वो वाली मार्क करना है जो सबसे ओल्डेस्ट हो, जो सबसे पुरानी हो, ठीक है ना। फर्स्ट है 4200 ईयर्स ओल्ड, और बी मतलब ए के बाद बी दूसरा है 1000 ईयर्स ओल्ड, और सी है 8500 ईयर्स ओल्ड,
और लास्ट वाला है 1300. तो सबसे पुरानी कौन से, ये वाली सी वाली 8500 years old, ठीक है ना. तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन थ्री बसेस कैरी अबाउट. यहाँ पे बोला गया है कि जो एक बस है 48 चिल्ड्रन को ले जाती है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन है एंड थ्री बस कैरी, तो तीन बसों में कितने बच्चे जा पाएंगे, ठीक है ना. तीन बस कितने बच्चों को ले जा सकेगी. तो एक बस में कितना है, कितने बच्चे, एक बस कितने को ले जाती है 48, तीन बसों में कितना जाएगा. तो क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो निकालेंगे कितना आंसर आ जाएगा. 3 8 जा कितना होता है 24, और 3 4 जा कितना होता है 4 जा 12, है ना. कैसे निकालो देखो, इसका आंसर कितना आएगा, कितना आ गया 144, ठीक है ना. 3 8 जा 24 कैरी 2 हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 2 14, ठीक है ना. अब अबाउट है तो किसके पास में आया है, ये 150 के नियरेस्ट है, ठीक है ना. तो ये 100 है, ये 200, ये 150, तो किसके नियरेस्ट है 150. यहाँ पे 150 राइट आंसर है क्योंकि अबाउट पूछा गया है, ठीक है ना. नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ नंबर ऐड टू मेक मोर देन 500. यहाँ पे बोला गया है कौन से ऐसे पेयर नंबर्स के हैं जिनको ऐड करने पे मोर देन 500 आता हो, मतलब 500 से ज्यादा आता हो. तो यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 152 एंड 241 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 321 एंड 192, फिर इसके पास थर्ड वाला ऑप्शन है 99 एंड 299, लास्ट है 401 एंड 91. तो इन चारों को प्लस करके देखना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है ना. अगर ध्यान से देखोगे जो पहला ऑप्शन है 152 एंड 41, इनको प्लस करो कितना आएगा, ये आएगा अबाउट टू, ये टू और कितना, वन कितना होगा 300, और ये 52 और 41, क्या ये 100 से ऊपर हो जाएगा, नहीं. तो ये लगभग 400 के आसपास आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा. और ये सी वाला है 199, मतलब 300 है, और ये 100 पे कितना, ये भी 400 होगा. डी वाला है 400 और 1 और 91, तो ये भी कितना आ जाएगा 91 है, 99 नहीं है, ठीक है ना. तो ये भी 500 से कम आएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम डी वाले को देखें, ठीक है ना, 321 प्लस 92 ये वाला देखेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको प्लस करें देखें 513 आएगा. देखिए कैसे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 92 11 कैरी 1 हो जाएगा, और 314 एक कैरी वाला 5, तो 513 ये वाला आंसर सही, कौन सा, बी वाला. तो इसमें आंसर बी वाला सही है, ठीक है ना. ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम ड्रा लाइंस टू मैच. पीछे कुछ मैचिंग दी हुई है कि किस समय क्या हुआ, लाइन से मैच करना है, ठीक है ना. पहला है क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, नर्मदा ब्रिज को कितने समय क्रॉस किए थे, इसमें दिया हुआ है मैच किया हुआ 9:10 AM पे, ठीक है ना, सुबह के टाइम. लुक एट भीम बेटिका पेंटिंग, भीम बेटिका पेंटिंग किस समय देखने गए थे, तो लगभग कितना टाइम हो गया था, यहाँ पे 11 के ऊपर हो गया था 11:30, तो यहाँ पे 11:30 से मैच कर दोगे. फिर एट पेट्रोल पंप, के पास कितने टाइम पहुंचे थे, तो 9:30 पे गए थे ना, तो पेट्रोल पंप पे अचानक हमारी रुकी थी, तो 9:30 AM पे. बोटिंग इन द लेक, बोटिंग किस समय कर रहे थे, 3 PM पे, ठीक है ना. ये आएगा लंच कितने टाइम किए थे, लंच हम लोग कितने टाइम किए थे, लंच हुआ था 30 के आसपास, ठीक है ना. ये लौट के कितने बजे आए थे, 6 PM पे, ठीक है ना. इस तरीके इसको मैच कर लोगे, ठीक है ना. सबसे पहले हमें स्टार्टिंग हुई थी तो हम क्रॉस किए थे नर्मदा ब्रिज 9:10 पे, कौन सी एक्टिविटी आई थी, इसके बाद पेट्रोल पंप पे तो 9:30 हो गया था, 9:30. इसके बाद भीम बेटका देखा था तो 11:30 AM या 11:40 के आसपास था, ठीक है ना, टाइम. फिर एट द पेट्रोल पंप और भीम बेटिका हो गया. फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, लंच किया था, लंच 12:30 PM पे, क्योंकि 12 बजने बाद क्या हो जाता है PM, और लंच कब लिए थे 12:30. फिर बोटिंग का टाइम किया था 3 से लेकर 4 बजे, 3 बजे से 4 बजे तक बोटिंग किए थे. रिटर्न टू होशंगाबाद कब आ गए थे, 6 PM, क्योंकि 4 बजे चले 2 घंटे पहुंच गए थे, ठीक है ना. इस तरीके से एक्सरसाइज ये कर लोगे. तो आज एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.